तो वंस अगेन वेलकम बैक टू द चैनल गाइस, मैं अचिन एक्सवाल आज आपके लिए एक और व्लॉग लाया हूँ। और सबसे पहले बात कर लेते हैं उन भाइयों की जिन्होंने कुछ क्वेश्चंस वगैरह किए हैं, थोड़ा सा क्यू एन ए टाइप का हो जाएगा अपना। तो एक भाई पूछे थे कि सौरव कुमार की भाई स्विफ्ट का पेट्रोल इंजन लग जाएगा कि नहीं। भाई बिल्कुल लग जाएगा और पिकअप वगैरह भी बहुत अच्छा आएगा, बट लगवाने से पहले एक बार आप टेस्ट कर लो कि आप जो लगवा रहे हो तो वो पहले किसी जिप्सी में लगा हुआ है, तो आप एक बार एक्सपीरियंस कर लो। अगर आप सेटिस्फाइड होते हो तभी लगवाओ, नहीं तो मत लगवाओ। क्योंकि जब हम ऐसे कुछ वो करते हैं कि किसी में दूसरी गाड़ी का इंजन वगैरह लगवा रहे हैं तो काफ़ी ज़्यादा एरर्स वगैरह आते हैं, तो वो आप एक बार देख के और किसी एक्सपीरियंस बंदे से ही लगवाओ, ऐसे ही मत लगवाओ। क्योंकि जो इनकी माउंटिंग्स होती है वो दोनों इंजन की स्विफ्ट में अलग होती है और जिप्सी की अलग माउंटिंग्स है, तो उस हिसाब से ही लगवाओ। जिस हिसाब से आप मतलब आप देखो पहले वाइब्रेशन वगैरह नहीं है अगर उस कार में, तब आप जाके लगवाओ। अगर आप सेटिस्फाइड हो तो लगवाओ, नहीं तो मत लगवाओ। और एक भाई पूछे थे कि आसाम में जिप्सी की परमिशन मिलेगी कि नहीं, और मिलेगी तो हाईवे पे मिलेगी ऑफ रोडिंग। ऐसा कुछ नहीं है भाई, दिल्ली एनसीआर के बाहर जो मतलब आर्मी डिस्पोजल है उसमें हर दिल्ली एनसीआर के बाहर हर स्टेट में मिल जाएगी आपको। 15 साल का रजिस्ट्रेशन होता है, 15 साल की आपको परमिशन मिलेगी रजिस्ट्रेशन के साथ। और ऐसा कुछ नहीं है कि हाईवे और ऑफ रोडिंग का कोई सीन नहीं है, आपको परमिशन मिलेगी 15 साल के लिए, रजिस्ट्रेशन होगा, उसके बाद आप उसको चाहे हाईवे में यूज़ करो या फिर ऑफ रोडिंग में यूज़ करो, आपके आपका ऑप्शन है। तो मैं आपको एक और चीज़ बता रहा हूँ कि आजकल कुछ लोग मतलब बहुत ज़्यादा फ्रॉड कर रहे हैं, और वो फ्रॉड भी ऐसे वैसे नहीं, मतलब आर्मी का नाम लेके फ्रॉड कर रहे हैं कि कहेंगे कि हम आर्मी से हैं ये वो। तो अभी मेरे एक कज़न है, उसके साथ ऐसा ही हुआ है कि एक बंदा था, वो अपना फ़ोन सेल आउट कर रहा था OLX वगैरह पे, और उसने बोला कि भाई मैं आर्मी से हूँ ये वो। और तो अभी लॉकडाउन चल रहा है तो उसने बोला कि मतलब क्या कहते हैं, मेरी ऐसे यहाँ पे IGI एयरपोर्ट पे ड्यूटी वगैरह लगी है, आप मेरे को पैसे सेंड कर दो, हाफ मनी सेंड कर दो और मैं आपको फ़ोन सेंड कर दूँगा, बाकी की पेमेंट आप फ़ोन रिसीव होने के बाद कर देना, ठीक है। तो उसने मतलब पहले उसने उस बंदे ने पहले उसको पूरा विश्वास दिलाया, मतलब ऐसी फेक आईडी वगैरह बना रखी थी वो भेजी, और फिर वो भेजने के बाद फिर पूरा मतलब उसको वो भी सेटिस्फाइड हो गया, उसने मेरे से पहले तो पूछा नहीं बाद में पूछा वगैरह, तो उसने पैसे भेज दिए, 3,000 रुपये उसने भेज दिए। और उसके बाद क्या होता है कि फिर वो बंदा मतलब वो कह रहा है कि भाई अभी इसकी कंफर्मेशन होगी, वो मतलब ऐसे ही बीच में रास्ते में रुक गया है, पहले आप यहाँ पे कंफर्मेशन करोगे और पैसे भेज के मतलब मैन्यूपुलेट कर रहा था तब मैं आपको भेजूँगा। तो उसने मेरे को कॉल किया कि भाई ऐसा ऐसा सीन है, मैं पागल है यार, तूने पहले ही पैसे भेज दिए, चाहे ऐसा मतलब कोई भी हो XYZ पैसे तो भेजने ही नहीं चाहिए। तो उस बंदे ने फिर मतलब उसने बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कर दिया, मतलब वही मैन्यूपुलेट कर रहा था, वो चाह रहा था कि और 3,000-4,000 रुपये आ जाए और फिर मैं मतलब वो करूं। तो उसने बहुत वो करा बट फिर हमने नहीं किए पैसे। और तो फिर क्या होता है कि फिर मतलब मैंने उससे सजेस्ट किया कि मैं क्या केस वगैरह कर दे, तू FIR करा दे। तो जब उसने FIR कराया तो पुलिस वाले ने खुद ने ही बताया कि आजकल ऐसे बहुत फ्रॉड चल रहे हैं, वो आर्मी का नाम लेके और आपसे पैसे पूछते हैं और फिर पूरा गेम ख़त्म, फिर आप बाद में उनका खुलासा होता है कि अपने पैसे तो गए और आर्मी वार्मी कुछ भी नहीं था ऐसा। तो भाई मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि कोई भी XYZ जहाँ पैसे का मामला है ना, वहाँ पे तो किसी पे भी विश्वास मत करो। कोई कह रहा है ना कि भाई मैं यहाँ पे ये वो मेरे को पैसे दो, भाई दूर की राम राम है कुछ से बस। तो भाई कोई भी हो ऐसी मतलब किसी की बातों में तो मत आओ, मैं तो ये सजेस्ट करूँगा, चाहे वो आर्मी कह रहा है वो भी, तो अब उससे आर्मी का भी नाम ख़राब हो रहा है और अब उस मतलब वो पैसे मर चुके हैं, उसका कोई सीन नहीं है, कुछ नहीं है। उसके बाद उसने हालांकि उसने बहुत ज़ोर भरे कि भाई मैं फ़ोन भेज रहा हूँ, आप मेरे को 2-3 हज़ार रुपये और भेज दो, आपके पास फ़ोन आ जाएगा ये वो बला बला बला।
मगर फिर हमने वो पैसे भी नहीं भेजे, और उससे वो पैसे मांग रहे तो कह रहा है भाई मेरे से वो इधर उधर उठ गए, ये वो बुला बुला। तो ऐसा सीन है कि कभी भी पैसे के मामले, जहाँ पैसे का मामला है ना, वहाँ पे किसी पे विश्वास मत करो। तो एक भाई और पूछ रहे थे कि, एक भाई ने सवाल किया था वो मेरे ध्यान से उतर गया, कि इमरान खान है उनके पास भी जिप्सी है तो अच्छा। तो भाई पूछे कि जो मैंने आगे जो डिफरेंशियल है उसमें मैंने स्प्रिंग लगा रखी है अपनी जिप्सी में, तो पूछने कि भाई कि क्या फ़ायदा उसका। तो भाई फ़ायदा उसका इतना है कि हालांकि कोई ख़ास इतना फ़ायदा है नहीं, बट हाँ वो मैंने इसलिए लगाई है कि मैं थोड़ा रफ एंड टफ चलाता हूँ अपनी कार को। तो मैंने एक बार मतलब क्या कहते हैं, मेरे जो कमानी है लीव स्प्रिंग्स है वो भी टूट चुकी थी, तो मैंने इसलिए उनको हटा, मतलब क्या कहते हैं उन स्प्रिंग्स को, पहले मैंने एक्सपेरिमेंट किया था स्प्रिंग्स वगैरह लगाने का, बट वो सक्सेस नहीं हो पाया। फिर थोड़ा बहुत हुआ था, मतलब एग्जैक्टली जो चीज़ मैं चाह रहा था वो तो नहीं आया, क्योंकि हार्डनेस और आ गई उसके कुशनिंग में। तो उसका बस यही फ़ायदा है कि आपकी कभी कमानी वगैरह अगर आप उतारे थे कहीं से तो टूटेंगी नहीं, और वैसे बहुत ज़्यादा बम्पी हो जाती है जिप्सी। उनका एकमात्र फ़ायदा यही है कि आपके जो सस्पेंशन की जो लीव स्प्रिंग्स वगैरह है वो हैवी जंप वगैरह पे टूटेंगी नहीं, और मगर उनको लगाने के बाद धचकियाँ बहुत ज़्यादा लगती है, और कुछ उनका खास फ़ायदा है नहीं। वो मैंने जिस पर्पज़ से लगाई थी वो उस पर्पज़ में नहीं सक्सेस हो पाई। मैं चाह रहा था कि काफ़ी ज़्यादा कुशनिंग आई बट वो नहीं आ पाई। और इनका जब सक्सेस हो सकता है जब हम फोर लिंक सस्पेंशन लगाएंगे जिसमें आर्म्स लगते हैं, वो वाला सस्पेंशन अगर हम लगाएंगे तब स्प्रिंग्स का और शॉक एब्जॉर्वर का जब मज़ा आएगा, जो कि आजकल कॉमन कास्ट में रहता है। लीव स्प्रिंग्स के साथ इनका कोई इतना वो नहीं है, बट अगर बिल्कुल आपकी जो स्प्रिंग है वो बहुत ही कुशनिंग वाली है, बिल्कुल ही मतलब एक अलग ही वो देती है, तो तब मज़ा आ सकता है। हाँ एक और ट्राई कर सकता हूँ बट वो मैंने अभी तक किया नहीं है, कि मेरी उसमें 3-4 लीव स्प्रिंग लगी हुई है, अगर मैं उनमें सिर्फ 2 या 3 लीव स्प्रिंग, 2 सबसे बड़ी और 1 सबसे छोटी लीव स्प्रिंग लगा के और तब मैं इसको लगाऊँ स्प्रिंग को, तब शायद ये सक्सेस हो सकती है और थोड़ी कुशनिंग का भी मज़ा आ सकता है। और तो ये स्प्रिंग लगी हुई है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये पहले मैंने मतलब लगाई तो मैंने किसी और पर्पज़ से थी कि ये काफ़ी ज़्यादा कुशनिंग हो जाए, बट कुशनिंग ना होके जो सस्पेंशन था वो और ज़्यादा हार्ड हो गया और ज़्यादा धचकी लगने लगी। उससे पहले यहाँ पे रबड़ के लिए वो शॉक एब्जॉर्वर लगा हुआ था जिससे कि आवाज़ ना आए जब ये आपस में ऐसे टच होता था, तो वो हटा के इस यहाँ पे प्लेट वेल्ड हुई थी, नीचे प्लेट वेल्ड हुई थी और इसमें एक रिंग वेल्ड हुई थी जिसमें ये स्प्रिंग लगी हुई है। ये डेवोमेटीज की स्प्रिंग है और ये एक ही स्प्रिंग के 2 पीस कर रखे हैं, ताकि एक स्प्रिंग तो मतलब काफ़ी इतनी ज़्यादा बड़ी होती है तो वो तो इसमें नहीं लग सकती। वो भी लगाने की कोशिश की थी, वो सक्सेस नहीं हो पाई। तो फिर एक स्प्रिंग के 2 पीस करने के बाद वो स्प्रिंग लगाई है हाफ इधर हाफ उधर, तो अभी ऐसा है कि मतलब ठीक ठाक है कि थोड़ी धचकियाँ ज़्यादा लगती हैं कंपैरिजन टू सिर्फ लीव स्प्रिंग्स के, बट ये है कि लीव स्प्रिंग्स अभी देखो पूरा ऐसे कर्व में है, ऐसे कर्व में है, बट ये ऐसे फ्लैट नहीं होंगी जब तक ये स्प्रिंग लगी रहेगी, तब तक ये ऐसे फ्लैट नहीं होंगी, क्योंकि जितना शॉक ये एब्जॉर्ब करती है उतना ही वो एब्जॉर्ब करती है, तो कभी भी ऐसे स्ट्रेट नहीं होंगी। आपने अधिकतर देखा होगा कि जिप्सी की ऐसे स्ट्रेट हो जाती है, बट मैं कुछ और भी चेंज चाह रहा हूँ इसमें, क्योंकि जो थोड़ी धचकी थोड़ी ज़्यादा लगती है तो वो मेरे को नहीं चाहिए। तो देखता हूँ वो जैसा भी इन फ्यूचर में अपडेट होगा वो भी मैं आपके लिए ले आऊँगा। और इसमें 4 लगी हुई है लीव स्प्रिंग्स, एक सबसे छोटी वाली लगी हुई है, फिर उसके बाद 1 और फिर ये 2 3 3 ये और एक नीचे है, 4 लीव स्प्रिंग्स है इसमें। तो जो मैं आपको बता रहा था कि अगर आप एक दो हटा के और तब अगर करें तो तब थोड़ा सा बन सकता है, बट उसमें मेरे को लगता नहीं है। हाँ इसमें मतलब जो हम दूसरी एक स्प्रिंग ऐसी ढूंढ सकते हैं जो बहुत ज़्यादा कुशनिंग हो, जो बिल्कुल ही रबड़ की तरह दब जाए,
बट उसमें भी रहे बट बिल्कुल मतलब बहुत आराम से दबे, तो उसमें क्या होगा कि कभी भी ये भी बैंड नहीं होंगी, मतलब ये भी कभी भी ऐसे फ्लैट नहीं होंगी और वो भी कुशनिंग सही देगी। तो गाइस आज की इस वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं, और जो कल वीडियो आएगी वो आप देखना मत भूलना। ये आज को, ये आज रात 9 बजे आएगी, और जो कल रात को 9 बजे स्ट्रीम करेगी मेरे चैनल को, उसको देखना मत भूलना, क्योंकि वो जिप्सी के एक अपडेशन पे लाया हूँ मैं वो वीडियो, और बहुत ही तगड़ा अपडेशन है, मतलब बहुत यूनिक चीज़ मैंने की है, तो कल आपको वो देखने के लिए मिलेगी, और सरप्राइज है वो आपके लिए। और जितने भी जिप्सी लवर है वो ज़रूर देखना इस वीडियो को। टिल देन मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो। और अचीव विद यू फॉर यू ऑलवेज। बाय बाय।